जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, जो कि आज की क्लास है वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई, यानी कि वैदिक संस्कृति के सवाल हैं हमारे एमसीक्यूज रिलेटेड, और हम इन एमसीक्यूज को लगाएंगे 1-to-1। फटाफट आपने भी जरूर लगाने, आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, गागी गागरी और मैत्री कपिला का घर था वदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र या मिथिली, क्या आंसर होगा? तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, मिथिला, मिथिला, मिथिला जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है जी। मिथिला जो गार्गी, मैत्री और कपिला है, ये विदुषी महिलाओं महिलाएं थी, और जो मिथिला से जो है संबंध वो वर्तमान में नेपाल में ये स्थित है, और ऋग वैदिक काल में ये बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र हुआ है, और उसमें इनका भी जिक्र हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद या सामवेद? अब वेदों से जुड़े हुए सवाल हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए हमारे वेद कितने हैं और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो हमारे वेद हैं चार, और चार वेद हैं, और चार वेदों में से जो है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। बच्चों कौन सा है पुराना वेद? वो ऋग्वेद है, और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद में जो है अनेक अवशेषों का जो है हमें वर्णन मिला है, जो कि ईरानी भाषा से जो है वो प्राचीन ग्रंथ भी कहा गया। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऋग्वेद, ए ऑप्शन, ठीक है। ऋग्वेद जो मैंने आपको बताया है वो इसके बारे में बताया है कि ईरानी भाषा का जो है ये प्राचीनतम ग्रंथ भी यही है अवेस्ता, जहां से जो है ये ऋग्वेद के अनेक बातें जो है मिली हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? जब हम वैदिक गणित करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस हैं चार, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद या सुलभ सूत्र या छांदोग्य उपनिषेद। तो वैदिक गणित का जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका सुलभ सूत्र, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, सुलभ सूत्र जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल यानी कि कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी, आभूषण या लोहार? और आपको पता ही है कि पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे वो तांबे से परिचित थे। किससे परिचित थे? तांबे से परिचित थे, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है जी। और जो लोहा है वो उत्तर वैदिक काल में खोजा गया है। कब खोजा गया है लोहे को? उत्तर वैदिक काल में। और ये किससे परिचित नहीं थे? वो है लुहार से परिचित नहीं थे, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी, इन सब से वो परिचित थे, क्योंकि ये जो आर्यों की सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मृत भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य, ये सब हमें मिले हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते, ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है?
उपनिषेद, ऋग्वेद, सामवेद, रामायण, अगर आप एक हिंदुस्तानी हो ना तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सत्यमेव जयते का अर्थ हुआ कि सत्य की हमेशा विजय, क्या हुआ, सत्य की हमेशा विजय होगी। और ये वाक्य जो है सारनाथ से स्तूप लिया गया है, ये अशोक स्तंभ से, तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, उपनिषेद, मुंडक उपनिषेद से उठाया गया है सत्यमेव जयते को। कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषेद वाक्य से जो है वो इसे लिया गया है, और भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, याद रखना बेटा। अगला सवाल, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है, आप ये भी दे सकते हैं। तो हिंदू धर्म में व्यास द्वारा जो रचित है श्री भगवत पुराण के अनुसार भी विष्णु का अंश उन्हें ही माना गया है, और करेक्ट आंसर रहेगा वो है धन्वंतरी। क्या आंसर रहेगा, धन्वंतरी को ही विष्णु पुराण में भी उनका अंश माना गया है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल, वेद का क्या अर्थ है, वेद का अर्थ बताइएगा, वेद शब्द का अर्थ है बताएं, तो करेक्ट आंसर रहेगा ज्ञान, नॉलेज। वेद हमारे देश की शबे पुरानी संहिताएं हैं, जो कि चार इसकी संख्याएं हैं, इनके वेद चार है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, वैदिक लोगों द्वारा, चांदी का, सोने का, लोहे का या तांबे का, सभी अपना अपना आंसर जो है बेटा कमेंट करते चलिए, कमेंट करते चलिए जी। अब आपको पता होना जरूरी है कि वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का रहा है, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर 650 ईसा पूर्व तक रहा था। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन, तांबा। क्या है, तांबा रहा है। जैसे मैंने आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का समय काल दिया है, इसको आपने दिमाग में रखना है। और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, और लोहे की खोज के बाद ही कृषि में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और सभ्यता जो थी वो महान जनपदों में जो है का भी विकास किया और उन्मुख भी हुई थी। नेक्स्ट आता है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, और मैं बता दूं कि ये दो चरणों में थी, एक वैदिक और एक उत्तर वैदिक। कौन कौन सी है, वैदिक और उत्तर वैदिक में थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। व्यावसायिक श्रम विभाजन जो है, यानी कि वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित थी, श्रम समझ चुके होंगे आप। और ये काल जो था उत्तर वैदिक काल की, ये व्यवस्था जन्म आधारित फिर हो गई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट, भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा जा सकता है या कहा जा सकता है, भारतीय संगीत का, ये वेदों से जुड़ा हुआ है, चार वेद है, इन्हीं वेदों में से एक वेद जो है वो भारतीय संगीत का भी जनक है, तो बताएं कौन है। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सामवेद। करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों सामवेद, सी ऑप्शन। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल, वैदिक युग में राजा अपनी जनता को
से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। मतलब वैदिक युग था, उस वक्त जो राजा जिस रूप में कर लेते थे तो उन्हें क्या कहकर बुलाते थे टैक्स को, जो टैक्स लेते थे। जल्दी जल्दी से जल्दी बताएं। करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, बलि। क्या कहते थे? बलि। और प्रधान राजा की संज्ञा दी जाती थी, राजा निरकुश नहीं थे, सभा समिति और विदथ नामक संस्थाएं इस को नियंत्रण में, मतलब राजा नहीं देखता था, इनकी संस्थाएं बनाई गई थी वही देखते थे, और वैदिक में स्वेच्छा से जो है राजा को कर देती थी, यानी कि वो अपनी मर्जी से लेते थे और उसको बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता? बलि कहा जाता था। और इस काल में वाद्यकारी फिर हो गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट। वैदिक आर्य का मुख्य प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? करेक्ट आंसर रहेगा वो है दूध और उसके उत्पाद, यानी कि उससे बनने वाले पदार्थ या जो भी उत्पाद है, तो उन उत्पादों का जो है वो महत्वपूर्ण उपयोग करते थे, जैसे कि सत्तू वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, निम्न में से योग का प्रणेता कौन थे? तो आपको भी पता है योग दिवस भी आने वाला है, तो योग दिवस से भी आप समझ सकते हैं। तो बताएं आप कि योग के प्रणेता कौन थे? तो वो है पतंजलि। पतंजलि जो है वो योग के प्रणेता माने गए हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सक नहीं था, एक कोई इनमें से चार है, चार में से एक व्यक्ति जो है वो चिकित्सक नहीं था, वो कौन सा था? मैं बता देता हूं, वो दर्शन आचार्य था। इनमें से ये एक दर्शन आचार्य था और सारे चिकित्सक थे। तो करेक्ट आंसर है चरवाक। कौन था? चरवाक था, और ये सारे के सारे चिकित्सक थे और तीनों के तीनों, और ये क्या थे? दर्शन आचार्य के रूप में थे चरवाक। ठीक है जी, नेक्स्ट। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण कर्ता कौन था? पहला व्याकरण करता। आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चंस देखने हैं और इसका पीडीएफ भी साथ में दे आपने लेना है, पीडीएफ से आपने स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस दिए। तो सही आंसर देख लेते हैं, वो डी ऑप्शन, पाणिनी। पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण का जो है वो निर्माता भी मानते हैं, और अष्टाध्यायी पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा रचित है। अगला, निम्नलिखित में से वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया। बलि सूत्र यानी कि बलि तो आपको पता लगी है टैक्स है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा भैया? आंसर दीजिएगा यजुर्वेद। क्या आंसर रहेगा? यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो है वो बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है, यात्रिक की विधि विधानों का जिक्र है, और उसका संबंध जैसे सामवेद का संगीत से, ऋग्वेद का प्रारंभिक आर्यों के विस्तार से, अथर्ववेद का जादू टूने से संबंधित है। ठीक है जी, वेदी के रूप में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद थे, और अर्थवेद जो है वेद के में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? अर्थशास्त्र, कानून, राज व्यवस्था या कला?
मनु मतलब मनु स्मृति का मतलब होता है मानव धर्म शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र। और ये एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है, मैं आपको बता देता हूं। और मनु जो है एक ऋषि का नाम था, और आधुनिक मनु जो है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा कानून, क्योंकि मैंने आपको आंसर दिया है भीमराव अंबेडकर, तो वो कानून मंत्री भी रहे हैं हमारे, और उन्होंने उन्हीं को जो है आधुनिक मनु भी कहा गया है। अगला है, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में, बताएं कौन से मंदिर में जो है वो बताए गए हैं या दर्शाए गए हैं रामायण और महाभारत के चित्र? करेक्ट आंसर रहेगा वो है सी ऑप्शन, अंकोर वाट। अंकोर वाट जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है, और विश्व में सबसे बड़े मंदिरों में से भी एक मंदिर है ये, जिसमें ये महाभारत और रामायण के जो हैं वो दृश्य भी दर्शाए गए हैं या चित्र दर्शाए गए हैं। उपनिषेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान पास बैठना या सर स्वर पाठ या बुद्धिमता? तो करेक्ट आंसर है उपनिषेद का मतलब अपने गुरुओं के समीप बैठना। क्या है? गुरुओं के समीप बैठना, ये इसका अर्थ होता है उपनिषेद का। तो ये देखिए, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना प्रमुख उपनिषेदों में से है, ठीक है जी। और ये उपनिषेदों मतलब उपनिषेद तो बहुत से हैं, मगर ये कुछ उपनिषेदों के नाम है। अगला है, निम्नलिखित वैदिक सभ्यताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? अगर अब आपको संगीत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, फिर से आ रहा है कौन सा वेद है, अभी बताया था बच्चा कौन सा वेद है जो कि भारतीय संगीत का भी जनक माना जाता है। तो आपको ये लर्न होना जरूरी है कि ये कौन से संगीत को माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपना आंसर साथ में देते रहिए। करेक्ट आंसर रहेगा सामवेद। किसको? सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक वाल्मीकि हैं, विष्णु शर्मा, वेद व्यास या तुलसीदास? अपना आंसर साथ में कर दीजिएगा। और पंचतंत्र जो है वो लिखा है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, भारत पर पहला आक्रमण डैश ने किया, यानी कि किसने किया था पहला आक्रमण? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो थे वो कौन थे, इन्हीं में से चार ऑप्शंस हैं। तो भारत सबसे पहले कौन आए थे, आप याद रखिए, आर्य आए थे। तो आर्यों ने ही पहला आक्रमण किया था प्यारे बच्चों, ठीक है जी। और ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर नाम दिया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। और आर्यों ने या अनार्यों के बीच संघर्ष का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विषय चुनिए, अब इनमें से एक विषय चुनिए, अलग जो होगा वही होगा। तो कौन सा है? ये देखिए, ये भी वेद है, ये भी वेद, ये भी वेद, ये वेद नहीं है, तो ये पुराण है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, देखा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गायत्री मंत्र किससे लिया गया, ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का हमें ऐसे भी याद होना चाहिए, हिंदू परिवारों को तो खासकर, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को गायत्री मंत्र का पता होना जरूरी है। तो बताएं कि कौन से वेद से जो है गायत्री मंत्र को लिया गया है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से उठाया गया है और उसके तीसरे मंडल से लिया गया। कौन से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया, और ये सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगला है, उपनिषेद का क्या है? उपनिषेद क्या है?
तो आपको पता होना चाहिए उपनिषेद यानी कि एक हिंदू दर्शन स्रोत है। क्या है उपनिषेद? हिंदू दर्शन स्रोत है जिनसे हिंदुओं की कथाएं पता लगती हैं, उनकी बारे में पता लगता है। और आपको मैंने बता दिया है उपनिषेद का जो अर्थ है वो है गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान लेना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सी ऑप्शन, हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला सवाल, पांडवों में से मैं सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडवों में जो है सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर था, सहदेव था, भीम था, नकुल था? तो आपको पता है कि उसके पांडव के कितने भाई थे? पांच भाई थे। कितने भाई थे? ये पांच भाई थे जी। ठीक है जी, और सभी राजा पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती और एक माद्री ने संतानें थी। कुंती से जो है युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए थे, और माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो है युधिष्ठिर। बहुत ही बढ़िया आंसर। तो ये है, आपने ये तैयारी रखनी है। बहुत ही इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इसी प्रकार से बने रहिएगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।